अभी नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को कैसे पी क्यू फॉर्म पे एक्सप्रेस करते हैं। देखो यहाँ पे 1.272727, यहाँ पे जो 27 है, 27 बार बार रिपीट हो रहे, डॉट डॉट यहाँ पर मतलब यहाँ पर कंटिन्यू चल रहे, 1.272727, ये 27 बार बार कंटिन्यू हो रहा है और रिपीट हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग लिख सकते हैं 1.27 बार। 27 रिपीट हो रहा है इसलिए 27 दोनों के ऊपर ये बार है, और एक रिपीट होगा तो 7 के ऊपर होगा, सिंगल डिजिट का होगा, यहाँ पर दो डिजिट रिपीट हो रहा है 27, इसलिए 27 के ऊपर ए बार है। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू, इसको पी क्यू फॉर्म पे एक्सप्रेस करना। सोल्यूशन क्या है, लेट एक्स इक्वल टू 1.272727, इसको कंटिन्यू लिया तो इससे सिर्फ एक्स एज्यूम किया, टू डिजिट आर रिपीटिंग, यहाँ पर देखो टू डिजिट जो रिपीटिंग बोल रहे हैं, वी मल्टीप्लाइड बाई एक्स बाई 100, ये एक्स जो लिया उसको बोथ साइड में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 100x लेफ्ट साइड में, और इस साइड में मल्टीप्लाई करने से क्या होगा डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर दो जीरो है, दो जीरो है तो टू डिजिट शिफ्ट होगा, तो ये हो गया 100x, और यहाँ पे हो गया 127.2727, ये भी रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट लाइन पे देखो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 127 को हम लोग लिख सकते हैं 126 प्लस 1.272727, ये कंटिन्यू हो रहा है, कैसे लिख सकते हैं 127 को, क्यों लिखा, क्योंकि ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट और यहाँ पर ई एक्स सेम है, उसको सेम करने के लिए अभी इंस्टेड ऑफ दिस पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर एक्स पुट कर दिया, तो 126 और प्लस एक्स, ठीक है। तो देखो ई एक्स क्या है, राइट साइड टू लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, ट्रांसपोज होगा, तो 100x पहले था 100x और राइट साइड से एक्स आ गया, तो हो जाएगा एक्स 100x माइनस एक्स, और यहाँ पर सिर्फ 126 रह जाएगा 126, तो 100x से ए सिंगल एक्स माइनस होने से क्या होगा 99x हो जाएगा, राइट साइड में है 126x। ओके समझ में आ रहा है ना, तो देखो अभी तो 99x था, 99x इक्वल टू था, तो अभी x इस साइड में रह गया और 99 नीचे आ जाएगा, तो 126/99, तो उसको सिंप्लीफाई करने से ये आएगा। इसका और एक दूसरा प्रोसेस भी है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा बट लेटर। ओके थैंक यू।